चंबा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयास करते हुए चंबा के गरीब छात्रों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत छात्रों द्वारा एक संस्था हेल्पिंग हैंड्स चंबा का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से चंबा कॉलेज के प्रांगण में गरीब छात्रों को 2 घंटे की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वही छात्र भी इस ट्यूशन के कारण शिक्षा हासिल कर काफी खुश है। इस बारे जानकारी देते हुए हेल्पिंग हैंड्स चंबा से जुड़े सदस्यों का कहना है कि चंबा के गरीब छात्र जिन्हें उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए ट्यूशन हासिल करने के पैसे नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को उनकी यह संस्था फ्री में ट्यूशन देकर पढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी संस्था द्वारा 40 से 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप स्कूल जाते हो जी। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। ये कौन पढ़ा रहे हैं आपको? सर। यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको किस तरह का महसूस हो रहा है, जैसे कैसा मान रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? प्लीज। मैं आपका लक्की। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हो? कहाँ पे? चंबा। तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किस तरह का महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये आपको कौन पढ़ा रहे हैं? कौन से मैडम पढ़ा रहे हैं? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। स्कूल जाते हो? हाँ। कहाँ जाते हो स्कूल? तो स्कूल के बाद यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आर्मी। दीपक कुमार। यहाँ पे आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन पढ़ाता है आपको? हमारे ये सर। तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है यहाँ पे? बहुत अच्छे से। तो आप स्कूल जाते हो? कहाँ जाते हैं? सुल्तानपुर। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहते हो आप? आर्मी। नाम है आपका? मेरा नाम शरण है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमें दिनेश भैया पढ़ाते हैं मैथ और साइंस, वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और हमें एक एक चीज उनकी समझ आ जाती है। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? हम एयर होस्टेस। मेरा नाम सुमन है, मैं 10th कक्षा में पढ़ती हूँ गर्ल्स स्कूल में चंबा, और हमें दिनेश भैया पढ़ाते हैं साइंस और मैथ, बहुत अच्छे से समझ आता है और मैं बड़ी के रिटेलर बनना चाहती हूँ। मैं सनी सूर्यवंशी, हेल्पिंग हैंड्स चंबा का अध्यक्ष। अभी हमारी संस्था तकरीबन 40 से 50 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है, जो कि बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रही है जो कि अपनी ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं। हमारी संस्था कॉलेज कैंपस में हर रोज़ 2 घंटे की क्लासेस निःशुल्क लगाती है। इसके लिए संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे कहीं पे बच्चे हो जो कि अपनी ट्यूशन फीस या फिर पढ़ाई से संबंधित उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, संस्था उनकी हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं हेल्पिंग हैंड्स चंबा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है बल्कि और भी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि खेल कूद हो गया, गेम्स में इनको टाइम टू टाइम हम सभी प्रकार की चीज़ों को बताते हैं इनको, जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं सबसे पहले हमारा फोकस उन बेसिक चीज़ों पर रहेगा, जैसे वर्णमाला होगी, 1, 2, 3 हो गया और ABC हो गया। इसके साथ साथ जो भी मॉरल एक्टिविटीज़ हैं जैसे नैतिकता सिखाएंगे हम इनको, और इसमें हम ना सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे बल्कि जितने भी यहाँ सराउंडिंग में ऐसे बच्चे हैं, नीडी बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है बेसिक्स की या किन्हीं और चीज़ों की या ट्यूशन वगैरह नहीं दे सकते हैं, उनको हम मोस्ट वेलकम हैं बच्चों को, और इस चीज़ को हम और भी और जगह भी फैलाना चाहेंगे जहाँ तक संभव होगा। हम सुमन लता है, मैं
पीजी कॉलेज चंबा बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से स्टडी करवा रहे हैं बच्चों को, तो इनको हम चाहते हैं कि ये भी थोड़ा बेसिकली सीखे जो इनको नहीं आता है, इसलिए हम कोशिश तो कर रहे हैं बट अभी प्रोग्रेस देखते हैं एक दो वीक में। तो क्या कैसे यहाँ पे आपको बच्चों को क्या लग रहा है पढ़ा के? बहुत अच्छा लग रहा है, इनको थोड़ा मतलब बैठने उठने बैठने का तरीका सिखाया जा रहा है, सब कुछ है, अभी थोड़ा इनको टाइम लगेगा क्योंकि ये ऐसे मतलब सोसाइटी से बिलोंग करते कि इनको इतना मतलब उठने बैठने का तरीका नहीं है अभी तक कुछ मतलब। आप इनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? प्यार से कर रहे हैं फिलहाल, ये समझ भी रहे हैं प्यार से, हम कोशिश करेंगे कि ये कुछ बने। आप इनको पढ़ा रहे हैं तो या आपको इनको समझ आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, थोड़ा प्रोग्रेस दिख रही है इनमें। कार हम हेल्पिंग हैंड संस्था के सदस्य हैं और यहाँ हमें बच्चों को पढ़ाकर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, हम बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और इनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इनको जो भी हम काम देते हैं बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से करते हैं, बस इनको थोड़ा बिठाने का तरीका भी इनको डिसिप्लिन के बारे में सिखाना है और हम कोशिश करेंगे कि हम अगले मंथ तक या मतलब कुछ दिनों तक हम इनको डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाएंगे, इनको मतलब बोलना सही से इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी हम इनको सिखाने की कोशिश करेंगे।